वेलकम ऑल टू माई चैनल ड्रीम टू IIT। तो मैं जो बुक का जो सीरीज स्टार्ट किया था, ये उसका थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं सिग्नल सिस्टम का जो इम्पोर्टेंट जो बेसिक बुक्स है उसके बारे में बात करेंगे। तो सिग्नल सिस्टम का एक बहुत अच्छा बुक है, वो है आनंद कुमार का सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ये बहुत ही अच्छा बुक है। हालांकि बहुत जन इस बुक के बारे में उतना अवेयर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत यहाँ पे आप लोगों को एक तो बात है कि जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया है, और जो सॉल्व प्रॉब्लम वो भी बहुत सारे सॉल्व प्रॉब्लम आप लोगों को मिलेगा, और उनमें से काफ़ी हद तक गेट लेवल का प्रॉब्लम भी आपको मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अगर आपको गेट लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो तो आप प्रीवियस ईयर गेट से ही आपको मिल पाएगा। तो प्रीवियस ईयर गेट का जो प्रॉब्लम्स है उसको सही तरीके से सॉल्व करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी ब्रांच से दे सक गेट में अपीयर कर रहे हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आपको ये तीन ब्रांच का जो कॉमन सब्जेक्ट्स है उसका हर ब्रांच का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर उसको तो सॉल्व एक बार तो एटलीस्ट उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप लोग टेस्ट सीरीज से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल पाएगा जो अच्छा टेस्ट सीरीज है। तो इसी से आपका जो प्रॉब्लम वाला पोर्शन है वो आपको कवर हो जाएगा। और यहाँ पर ये वाला बुक जो है, यहाँ पे आप लोगों का जो बेसिकली जो कंटिन्यूस पोर्शन है, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स जो है, ये वाला कवर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म ये सब भी है, और कुछ कुछ यहाँ पे डिस्क्रीट वाला भी यहाँ पे कवर हो गया, लेकिन आपका जो DFT FFT ये सब वाले जो पोर्शन है उसके लिए आप आनंद कुमार का जो दूसरा बुक है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग DSP का कुछ पोर्शन जो आप लोगों का जो सिलेबस में रहता है उसके लिए आप ये वाला बुक यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा बुक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों का जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम का जो पोर्शन है यहाँ पे आप लोगों का कवर हो जाएगा। और जो बहुत एक स्टैंडर्ड और पूरा वर्ल्ड वाइड जो मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड बुक है वो है ओपेनहाइम का सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ये बहुत ही अच्छा बुक है, लेकिन मेरे हिसाब से इस बुक के लिए आपका बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। और ये बुक काफ़ी हार्ड है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा गया, ऐसा नहीं है। और जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, जो एग्जांपल वगैरह वो भी थोड़ा कम है, लेकिन ये एक क्लासिक बुक है। ये आप जान लीजिए कि ये बहुत ही अच्छा क्लासिक बुक है, तो नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा समझ के आपको इस बुक को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझ के पढ़ना पड़ेगा आपको इस बुक। तो ये था, तो ये तीनों बुक आप सिग्नल सिस्टम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एज ए रेफरेंस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल।